हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट, और ये अपडेट निकल के आ रही है जेकी बोपी के थ्रू। और इस अपडेट में ये बता रहे हैं कि जो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग है फॉर द बीटेक इंजीनियरिंग कोर्सेज फॉर द गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ यूटी ऑफ जेएंडके एंड लद्दाख, जो उनका अपग्रेडेशन है या अलॉटमेंट ऑफ जो सीट्स हैं इन बी बी टेक कोर्सेज, उसका जो जो नोटिफिकेशन है ये आ चुका है फॉर द सेकेंड राउंड। आप इसमें ये बोल रहे थे जो अपने फर्स्ट राउंड में जिन्होंने अप्लाई किया था और जिनको कॉलेज अलॉट हुआ था या जिनकी काउंसलिंग फर्स्ट राउंड में मिस हो चुकी थी, उनके लिए अपडेट जेके बोपी के थ्रू आ रहा है। और इन्होंने बोला, इट इज़ हेयर बाय नोटिफाइड फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट एट द बोर्ड शेल फिल अप द सेम बाय द कंडक्टिंग सेकंड राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग फॉर अलॉटमेंट अपग्रेडेशन ऑफ सीट्स। ठीक है, अपग्रेडेशन ऑफ द सीट्स हो रही हैं, और इसमें उन्होंने डेट्स जो मैंशन की हैं वो मैंशन की है 18th ऑफ अक्टूबर, 19th ऑफ अक्टूबर एंड 20th ऑफ अक्टूबर। ये 3 दिन की काउंसलिंग चलेगी खाली। उन्होंने जो रैंक्स बुलाए हैं वो 1 से लेके 650 तक, 18th को 651 से 1400, 19th को और 1401 से 2177 तक, 20th को। और उन्हें ऑल ओपन मेरिट और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को बुलाया गया है इन 3 डे में। जो भी कोई ओपन मेरिट है या रिजर्व कैटेगरी है उन सबको इन्होंने कॉल किया है। प्रोसीजर तो उन्होंने वही बताया जो पुराना टाइम में जो प्रोसीजर था, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैव टू रिपोर्ट बोपी ऑफिस। जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा वो आपका रहेगा 8:30 to 10:30 के बीच में। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट जॉइन द कॉलेज और अलॉटेड ऑफ सीट्स इन द फर्स्ट फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग शैल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द अपग्रेडेशन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में उन जो अलॉटेड कॉलेज थे, जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जिनके स्टूडेंट्स को अलॉट हुए थे कॉलेज, अगर उन्होंने उसमें एडमिशन नहीं ली है तो वो उसमें एलिजिबल नहीं होते सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जाने के लिए। कैंडिडेट्स हुए ऑप्टेड फॉर द सी एन ए द कैंडिडेट्स हुए ऑप्टेड फॉर सी एन ए एस एन ए वे नॉट अटेंडिंग फर्स्ट राउंड ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस आर एलिजिबल टू अटेंड द सेकंड राउंड ऑफ फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग बी बी टेक की। ठीक है, द बोर्ड हैज़ डिसाइडेड 3 एप्लीकेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स हैविंग रैंक 658, 704 and 1284 रिगार्डिंग द चेंज इन देयर कैटेगरीज फ्रॉम EWS टू TFW। तो 3 कैंडिडेट्स जो इनके रैंक्स थे ये जो हैं, उन्होंने अपनी एक एप्लीकेशन दी थी अपनी कैटेगरी चेंज कराने की EWS से TFW। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ दीज रिप्रेजेंटेशन फाउंड दैट दीज कैंडिडेट्स हैव इनएविडेंटली मेंशन देयर कैटेगरी एज EWS बट अपलोडेड द सर्टिफिकेट ऑफ TFW। सिंस द EWS कैटेगरी इज नॉट एप्लीकेबल इन BTech इंजीनियरिंग कोर्सेज, द बोर्ड हैज़ अकॉर्डिंगली consider their application decided to allow them to participate in the second round of counseling as TFW category instead of EWS। तो कुछ 3 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने जब फॉर्म फिलअप किया था उन्हें गलती से TFW का फॉर्म लगा दिया था, लेकिन EFW का फॉर्म लगा दिया था instead of TFW। तो लेकिन EFW BTech बी इंजीनियरिंग कोर्सेज में कंसिडर नहीं होती ये कैटेगरी, तो अब उन्हें एक रिप्रेजेंटेशन दी और उसको उनको उन्होंने अलाउ कर दिया है। ठीक है, वो इनमें पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, तो और उसके बाद बाकी टर्म्स एंड कंडीशन सेम रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करना है। सीट मैट्रिक्स अपलोड हो जाएगा, मेरे चैनल पे भी मैं अपलोड कर दूंगा, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपलोड करता रहता हूँ टाइम टू टाइम सीट मैट्रिक्स। आप अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक शेयर किया है, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन किया है, जेके वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। और भी एक दो अपडेट्स पोस्ट बीएससी नर्सिंग का भी और बी फार्मेसी का भी अपडेट आ रहा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ वन सेकेंड। और ये अनदर अपडेट निकल के आ रहा है कि प्रोविजन मेरिट लिस्ट जो है ऑफ द कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर द बी फार्मेसी कोर्स 2021 और फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द सीट्स, उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है। इन्होंने ये जो बी फार्मेसी है ये 13th का एक्चुअली ये नोटिफिकेशन है, तो मैं इसको अपलोड नहीं कर पाया था, जिसमें इन्होंने मेंशन किया है कि इसमें द कैंडिडेट्स फिगर इन दिस अपडेटेड मेरिट लिस्ट एडवाइज टू विजिट जेके बोपी वेबसाइट डेली फॉर द प्रोविजन सेक्शन लिस्ट ऑन द बेस ऑफ देयर रैंक मेंशन इन द प्रोविजन मेरिट लिस्ट। द अदर टर्म्स एंड कंडीशन शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये इन्होंने एक आई थिंक ये एक निकाली है नेक्स्ट डे में, ये जिन्होंने अप्लाई किया था बी फार्मेसी कोर्स के लिए। ठीक है, ये उसका एक निकाला हुआ इन्होंने नोटिफिकेशन या
इसमें लिखा है इन्होंने प्रोविजन मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड बी फार्मेसी कोर्स 2021 फॉर ऑब्जेक्शन देयर ऑफ अप टू, क्योंकि अब इन्होंने एक प्रारी प्रोविजन लिस्ट निकाली थी, उसमें उन्होंने टाइम लिमिट दिया था 12th of October तक आपको रिपोर्ट करना, तो वो डेट अब फिनिश हो चुकी है, तो उन्होंने एक फाइनल प्रोविजन लिस्ट निकाल दी है बी फार्मेसी की, वो ये रही एनेक्सर ए में, आप देख सकते हो इसमें नेम है, फादर्स नेम है, परसेंटेज है उस स्टूडेंट की, रिमार्क्स में टीयर कैटेगरी आई थिंक और रैंक उसका मेंशन किया गया है। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने हैं, तो ये नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इसमें दिखा रहा है 409 है, लास्ट परसेंटेज इनकी 43.20 है, ओपन मेरिट में है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए इस बी फार्मेसी कोर्स में इतने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, ये फाइनल प्रोविजन लिस्ट है, अब इनकी काउंसलिंग के लिए इनको कॉल करेंगे फॉर द बी फार्मेसी कोर्स, ठीक है। और अब हम चलते हैं अनदर अपडेट के लिए, वन सेकेंड, और ये अपडेट निकल के आ रहा है कंडक्ट ऑफ द काउंसलिंग फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर द पोस्ट पीएससी नर्सिंग, इन्होंने बुलाया है और ये इनकी काउंसलिंग आई थिंक चले होगी ये 22nd of October को, 20th को लास्ट काउंसलिंग रहेगी बीई की, बीटेक वालों की या बीई कोर्स वालों की 20th का, और 22nd को इसकी काउंसलिंग रहेगी, ठीक है। ऑल द कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग ऑल द कैटेगरीज, और इस उन्होंने रैंक वन से लेके 262 रैंक को एक ही दिन में इन सब स्टूडेंट्स को बुला लिया है बोपी ऑफिस में फॉर द काउंसलिंग, और जो डेट है वो 22 है, ठीक है, फॉर द पोस्ट बीएससी नर्सिंग, ठीक है। ये पोस्ट बीएससी नर्सिंग का ये अपडेट निकल के आ रहा है, और इसका जो वही रिपोर्टिंग टाइम ऑलमोस्ट सबका सेम ही रहेगा, 8:30 से 10:30 के बीच में 22 को रहेगा। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी लेके आने हैं, मेक श्योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट और अदर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लेके आइएगा। सीट मैट्रिक्स मैं अपने वेबसाइट पे सॉरी मैं अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो और उसके बाद आप इंस्टाग्राम पे और मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी बने रहिए, वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी टाइम टू टाइम सारे सीट मैट्रिक्स में अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। तो ये आई थिंक कल का नोटिफिकेशन है, 15th का ये नोटिफिकेशन, एनेक्सर ए में आप देख लीजिए क्या क्या बता रहे हैं, एप्लीकेशन नंबर है, नेम है, परसेंटेज है, और इनका रैंक है, जो फर्स्ट रैंक है उनका 87.46% है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम इसको देख लेते हैं कितने इन्होंने पोस्ट पीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई किया है, तो 262 स्टूडेंट्स ये देखिए लास्ट में, और इनका जो परसेंटेज है वो है 62%, ठीक है, उनका रैंक 262 है। इन सबको 22nd of October को रिपोर्ट करना है जेके बोपी ऑफिस में फॉर द फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो ये जो अपडेट्स थी, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी, 3 अपडेट्स मैंने आपको दे दी है, पोस्ट पीएससी नर्सिंग का, बी फार्मेसी कोर्स का, एंड बीई और बीटेक की जो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग है वो कंडक्ट होगी 18, 19, 20 को, 22 को रहेगी, क्योंकि पोस्ट पीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग एक ही दिन रहनी है ये। तो आई होप आपको ये सारे अपडेट्स आपको पता चल गए होंगे, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो लोग जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल पे, तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को, ठीक है। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।